Good morning, this is Pramod Jaiswal from English Chronicles. Thanks for clicking to my video. Today I'm going to teach finding errors. This is miscellaneous and these are questions of 2015 from associate banks. जिसमें हर पार्ट अलग अलग हैं. वी हैव टू फाइंड विच सेक्शन हैज़ द मिस्टेक. एग्जाम में तो सिर्फ मिस्टेक पॉइंट करना है, बट यहाँ पे हम लोग गलतियों को भी निकालेंगे और उसका आंसर भी देंगे, समझाएंगे, रीजनिंग्स भी देंगे व्हाई वो रॉन्ग है. तो आइए, द ऑफिशियल डिलेड नॉट ओनली द रिन्यूअल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल्सो. अब ये कंजंक्शन है नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये कंजंक्शन में यूज होता है. ना ही पुलिस ने उसे मारा बल्कि उसे अंदर भी कर दिया. नॉट ओनली डिड द पुलिस बीट हिम बट ऑल्सो ही पुट हिम इन द प्रिजन. तो ये एग्जाम्पल है, नॉट ओनली डिड द पुलिस बीट हिम बट ऑल्सो पुट हिम इन द प्रिजन. नॉट ओनली डिड द पुलिस बीट हिम बट ऑल्सो पुट हिम इन द प्रिजन. तो बट ऑल्सो यहाँ लगेगा नॉट ओनली. अब इसमें ये मार्क करना है डिड और बीट हो जाता है. अगर पास्ट टेंस है तो डिड और बीट ऐसे इंट्रोगेटिव में होता है, लेकिन अगर यहाँ सेंटेंस बिगिन करता है सब्जेक्ट से द ऑफिशियल डिलेड, तो यहाँ ऑफिशियल नॉट ओनली डिलेड नहीं होगा. द ऑफिशियल नॉट ओनली डिलेड, यहाँ डिड नहीं लगेगा, क्योंकि नॉट ओनली किसको रिलेट करता है. यहाँ मिस्टेक है नॉट ओनली द रिन्यूअल. हाँ, नॉट ओनली द रिन्यूअल किसके बगल में उसको ये करता है वही होता है. तो यहाँ डिलेड द रिन्यूअल ऑफ बट ऑल्सो विथहेल्ड द इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स स्टेटस. तो यहाँ मिस्टेक है नॉट ओनली का प्लेसमेंट. ये नॉट ओनली जो है डिलेड के पहले आएगा, ये यहाँ यहाँ आएगा नॉट ओनली बट ऑल्सो. तो अगर नॉट ओनली यहाँ है मतलब नॉट ओनली रिन्यूअल के बारे में कह रहा है, तो रिन्यूअल के बारे में नहीं कह रहा है. तो ऑफिशियल ना ही वो देर किए, तो ना ही नॉट ओनली यहाँ आएगा बट ऑल्सो रोक के भी रखे, देर भी किए और विथहेल्ड भी किए, रोक के भी रखे. तो हमारा मिस्टेक यहाँ है नॉट ओनली डिलेड, नॉट ओनली इस जगह आएगा, नॉट ओनली डिलेड. तो आइए, नॉट ओनली बट ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में आते रहता है. द बिग बैड वुल्फ गॉबल्ड अप द लिटिल लैम्ब so fast that a bone was stick. ये भी देखिए conjunction है, so fast, so and that. देखिए so and that, ये result show करता है. ये so cause है और that result है, और एक so that अगर साथ में है, जैसे ही स्टडीड हार्ड सो दैट ही कुड पास, तो वो पर्पस शो करता है, ये कंजंक्शन है. तो यहाँ द बोन मिस्टेक, यहाँ पर बोन वॉज स्टक पैसिव वॉइस में है, तो ये वी थ्री फॉर्म होना चाहिए, स्टिक नहीं होना चाहिए, स्टक, वी थ्री फॉर्म, वॉज स्टक पैसिव वॉइस में होना चाहिए. अब आइए देखते हैं, आई वेंट देयर, थर्ड वन, with a view to survey the entire procedure. अब इसमें देखते हैं, I went there, तो कोई मिस्टेक नहीं है, with a view to survey the, लगता तो है कोई मिस्टेक नहीं है, the entire procedure, कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन ये मिस्टेक है with a view to. तो इसको हम बतलाते हैं, जैसे कुछ वैसे phrases हैं जिनके साथ to के साथ infinitive नहीं लगता है बल्कि ING लगता है, टू के साथ इन्फिनेटिव नहीं लगता है बल्कि ING. जैसे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड
to meeting you, meeting you. तो ये ing लगता है to के बाद. वैसे ही मिस्टेक यहाँ ये है, ये होना चाहिए surveying. ये जेरेंड हो जाता है. तो जेरेंड पार्टिसिपल करीब करीब एक ही है, लेकिन दिस इज द सिस्टम आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू. टू के बाद ये जेरेंड हो जाता है मीटिंग. आइए नेक्स्ट वन. व्हेन वन हियर्स ऑफ द इंसिडेंट अबाउट द प्लेन क्रैश ही फील्स वेरी सॉरी. देखने में तो मिस्टेक कहीं नहीं लग रहा है. व्हेन वन हियर्स ऑफ द इंसिडेंट, ऑफ द इंसिडेंट भी होता है, अबाउट द इंसिडेंट भी होता है. अबाउट द किसके बारे में, तो प्लेन क्रैश के बारे में. ही फील्स वेरी सॉरी, कहीं मिस्टेक नहीं है. लेकिन नहीं है, मिस्टेक कहाँ है, ये वन. और यहाँ पर हम प्रोनाउन ही यूज कर रहे हैं. जब भी हम अगर बिगिन करते हैं, वेन एवर वी बिगिन अ सेंटेंस विथ वन, माने कोई एक, तो ही हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं. ही माने पर्टिकुलर ही हो गया, लेकिन वन माने कोई एक. अगर यहां वन है तो यहां भी वन होगा. सो दिस इज द मिस्टेक इन सेक्शन 3. ऑलवेज रिमेंबर दिस. नाउ लेट्स टेक अप क्वेश्चन नंबर 5. ही वॉज प्रेजेंट इन द कोर्ट टू गिव विटनेस. ये भी देखने से लगता है कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन बहुत माइनर. इसीलिए तो ग्रामर कहा गया है कि बूंद बूंद के तालाब भरता है. इंटीग्रेटेड ग्रामर मतलब आपको नॉलेज हर चैप्टर्स से आपको रखना है. वो ग्रेजुअल टीचिंग से, पढ़ने से धीरे धीरे आ जाता है. अब यहाँ स्पेशल टाइप का ये मिस्टेक बतलाता हूँ. ही वॉज प्रेजेंट इन द कोर्ट. यहाँ द आर्टिकल जो है वो पर्टिकुलर द वाला से मतलब नहीं है. इसका एक रूल है. रूल क्या है, जैसे प्रिजन, स्कूल, हॉस्पिटल, कोर्ट, व्हेन दीज आर यूज्ड फॉर देयर पर्पस, जिस पर्पस के लिए बना हुआ है, तब नो आर्टिकल इज यूज्ड. अगर वहां मिलने हम जाते हैं कोर्ट में टू गिव विटनेस, लेकिन ये कोर्ट के काम से गया है, विटनेस के वजह से. लेकिन एज अ फ्रेंड वो मिलने गया है अपने दोस्त से, जैसे हॉस्पिटल, ही वेंट टू द हॉस्पिटल टू मीट हिज सिक फ्रेंड, तब वो ठीक है. लेकिन द पेशेंट वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल, नहीं होगा टू हॉस्पिटल. सो माइंड इट. सो यहाँ पे मिस्टेक हो जाता है इन द कोर्ट सेक्शन 2 में मिस्टेक होता है. आइए नेक्स्ट लेते हैं. मॉम हैज लॉट ऑफ फ्रेंड्स, लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स बिसाइड हर रूममेट. ये पहले भी हम बता चुके हैं. बिसाइड, BESIDE, बिसाइड का मतलब बगल में होता है. और एक होता है बिसाइड्स, मतलब अपार्ट फ्रॉम दिस, अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा. तो क्या है, मॉम हैज लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स बिसाइड्स हर रूममेट. तो रूममेट तो है ही, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे फ्रेंड हैं उनके. तो ये बिसाइड्स इज द मिस्टेक, इसमें एस लगेगा. आइए नेक्स्ट वन. यू डू नॉट नो ऑफ हिम. ये बहुत अच्छा ग्रामर से संबंधित है. सो आई विल ट्राई टू डिस्कस एंड मेक यू अंडरस्टैंड. कोशिश करता हूँ आप लोग को फायदा हो. देखने में नहीं लगता है कि मिस्टेक है. यू डू नॉट नो ऑफ हिम लीविंग द टाउन. तो ये यू डू नॉट नो ऑफ प्रीपोजिशन है, तो ये जेरेंड है. लीविंग क्या है, जेरेंड. और जब जेरेंड के पहले प्रोनाउन होता है तो ये पॉजेसिव फॉर्म में होता है. ऑफ
is leaving the town. ये him नहीं होता है, ये possessive form होता है. अगर यहां name होता राम तो राम्स हो जाता है, राम्स लीविंग द टाउन. ये भी जेरेंड से रिलेटेड है, नॉन फाइनाइट वर्ब जेरेंड. जो भी वर्ड यहाँ रहेगा जेरेंड के पहले, व्हेन एन अ प्रोनाउन इज प्रीसीडेड बाय, व्हेन अ जेरेंड इज प्रीसीडेड बाय अ प्रोनाउन, इट इज इन द पॉजेसिव फॉर्म. आई नेक्स्ट वन, अ सिंपल सेंटेंस ऑल्सो कॉल्ड एन इंडिपेंडेंट क्लॉज कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब एंड इट एक्सप्रेसेज अ कंप्लीट थॉट. देखने में कोई मिस्टेक नहीं है. अ सिंपल सेंटेंस ऑल्सो कॉल्ड एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, कंटिन्यूएशन ऑफ द सेंटेंस है, कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, एकदम सही है. एंड इट एक्सप्रेसेज, अब देखिए यहाँ ये प्रोनाउन से रिलेटेड है, इट रेफर कर रहा है किसको, सिंपल सेंटेंस को. और ये क्लॉजेज और सेंटेंसेज में एक ही सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन दोनों नहीं होगा. जैसे द बॉक्स इज वेरी हेवी फॉर मी टू लिफ्ट, इट नहीं होगा. जैसे द बॉक्स इज वेरी हेवी फॉर मी टू लिफ्ट इट, इट नहीं होगा, क्योंकि इट रेफर कर रहा है बॉक्स को. तो एक ही सेंटेंस में बॉक्स और इट दोनों नहीं होगा, इसलिए इट इज द मिस्टेक. क्योंकि यहां अगर हम ऐसे करते हैं, अ सिंपल सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट, इसको एडजेक्टिव क्लॉज हो जाता है, ऑल्सो कॉल्ड एन इंडिपेंडेंट एंड कंटेन्स अ सब्जेक्ट. एक क्लॉज ये हो जाता है, एक क्लॉज ये हो जाता है अलग. तो एक ही सेंटेंस एक है, तो इसलिए इट रेफर्स टू सिंपल सेंटेंस. एक ही सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन दोनों नहीं होता है. आइए नेक्स्ट वन, लास्ट वन. तो द टीचर टोल्ड दैट ही आई शुड इम्प्रूव, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट से है. तो यहाँ प्रोनाउंस है और प्रोनाउन जब फर्स्ट पर्सन में होता है आई, तो दिस इज गवर्न बाय द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, तो यहाँ पर ही हो जाना चाहिए. और ये माय भी प्रोनाउन है, तो ये भी माय टीचर से गवर्न होता है, तो इसलिए यहाँ भी इज हो जाना चाहिए. दिस इज द मिस्टेक. सो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से थोड़ा रूल्स को ध्यान दीजिएगा, पिछले वीडियोज में हमने पढ़ा चुका है, और उसको देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिए. पसंद आता है तो शेयर कीजिए अमंग योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू मी, सो दैट कंटिन्यूस आपको वीडियो वॉच करने के लिए मिलता है. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. हैव अ नाइस टाइम.